आप सब लोगों को सत श्री अकाल। एक आइडिया आया था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपने देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि अपने देश में कभी भी सप्लाई चेन सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किए गए, मगर एक है इसके अंदर जो आपकी मदद कर सकते हैं सरकार की, वो है देश के गुरुद्वारे। सबने देखा है, सब जानते हैं कि गुरुद्वारों में जिस हिसाब से खाना बनता है और जिस हिसाब से वो खाने का वितरण होता है, जहां पे हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, कहां का लंगर लगाते हैं ये लोग, जाके देखे आप लोगों ने? सीरिया, एक एक लाख मतलब लोगों को खाना खिला सकते हैं भैया, ये इन्हीं के बस की बात है। सरकार को जितने भी गुरुद्वारों के हेड्स हैं उनको बुला लेना चाहिए दिल्ली, और जितने भी राज्य सरकार है उनको, उनके चीफ मिनिस्टर को बोल लेना चाहिए कि जितने भी गुरुद्वारों के हेड्स हैं उनको बुला लें। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला मार्केटिंग। सोचिएगा, आइडिया है, तो गुरुद्वारे जो है देश के उनको इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। जो भी आप लोगों को पैसा देना है सरकार को, उसी का गुरुद्वारों को दीजिए। गुरुद्वारों के जो इसके कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उन लोगों को दीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं एक रुपया भी इधर उधर नहीं होगा, ये बात तो 101% है, और आपका काम भी अच्छी तरह हो जाएगा, और जो भी रुपया आप खर्च करेंगे उसकी पूरी वैल्यू भी मिलेगी सरकार को। नहीं तो अभी तो अपन लोगों को पता है कि सरकार वहां से एक रुपया निकालती है, गरीब तक 5 पैसे भी नहीं पहुंचते। इसमें सारा काम सरकार का हो जाएगा, तो इमीडिएटली जितने भी गुरुद्वारों के हेड्स हैं पूरे इंडिया में, कॉल देम इमीडिएटली एंड टेल देम टू हेल्प द पुअर इन इंडिया एंड दे विल हेल्प, इस बात की भी गारंटी है। तो जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो अब इंडिया को यूज करनी चाहिए, और इंडिया की स्ट्रेंथ जो अभी सप्लाई चेन सिस्टम भी वो है गुरुद्वारे हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच।